Term ABCD ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है. दिया हुआ क्या इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी. सो वी हैव ए बी सी एंड डी. ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी. ए बी का मिड पॉइंट क्या है ई. सी डी का मिड पॉइंट क्या है एफ. ई और एफ दोनों मिड पॉइंट्स हैं. एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, उसमें ए बी का मिड पॉइंट है ई और सी डी का मिड पॉइंट है एफ. Here, ABCD is a. Therefore, AB is equal to. And AD is equal to. BC. अगर AB equal to CD है तो क्या AB का half is equal to CD का half होगा? होगा ना? ठीक है. AB का half कितना है? क्योंकि E midpoint है. और दूसरा half है BE. और CD का half क्या है? CF is equal to DF. तो particularly ये चारों चीज़ें equal हो गई. Is that fine? ये prove करना ज़रूरी है starting में ही. अब ध्यान देना अच्छे से. अब मैं एक और चीज़ join कर रहा हूँ. यहाँ पे आगे सब में दिया हुआ है. Show that the line segment AF and EC. ये रहा AF और ये रहा EC. ये जो line segment है ना AF और EC, ये जो डायगनल है ना BD, इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं. ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? थ्री इक्वल पार्ट्स. ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया क्वेश्चन का. एक पैरेललोग्राम ABCD, तो उसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल. AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC, तो उसके हाफ्स भी इक्वल बिकॉज E और F दोनों मिड पॉइंट है. तो हमने यहाँ तक डिराइव कर लिया. क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो AF है और ये जो EC है वो जो BD डायगनल है उसको एक दो तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एंड दैट इज व्हाट यू कॉल ट्राइसेक्शन. क्योंकि अगर दो इक्वल है तो वी कॉल इट बाईसेक्शन. तीन है इसलिए ट्राइसेक्शन. ठीक, सो ट्राइसेक्शन के लिए ये चीज जाना जाएगा क्वेश्चन. ये जो तीन मार्किंग मैं कर रहा हूं हमें उसे प्रूव करना है दैट दीज थ्री सेगमेंट्स आर इक्वल. इज दैट ओके. अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है पी और क्यू. वन बाय वन पहले मैं स्ट्रैटेजी समझा देता हूं फिर हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्या ए बी पैरेलल टू सी डी है? है, है? ठीक है, तो क्या सी एफ पैरेलल टू ए ई होगा? क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है. लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर इक्वल. सी एफ ए डी इक्वल है ना. ये रहा सी एफ और ए ई. इज दैट ओके. लाइन्स आर पैरेलल एंड लाइन्स आर इक्वल. वॉट डज द शेप बिकम? सो ए सॉरी ए ई सी एफ क्या बन गया? ए ई सी एफ क्या बना? पैरेललोग्राम बना. तो उसकी बाकी की जो दो साइड्स हैं वो भी पैरेलल इक्वल हो जाएंगी. तो ये जो ए एफ है वो क्या बन गया? पैरेलल टू ई सी. इज दैट फाइन? पक्का? ठीक है. अब जो मैं ट्राइंगल दिखाऊँ उसके उसमें देखना पूरा. ये ट्राइंगल नजर आया येलो मार्किंग वाला, उसमें ई क्या है और ये लाइन क्या है? तो क्यू क्या हो जाएगा? थ्योरम 8.10. ठीक है, ये लाइन पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट है और लाइंस पैरेलल है तो जो दूसरा पॉइंट है वो भी मिड पॉइंट हो जाता है. अब दूसरा ट्राइंगल देखना. और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो गई ना. अब इधर इस ट्राइंगल में ब्लू वाले पोर्शन में एफ मिड पॉइंट है और एफ पी क्या है? पैरेलल है. एफ पी इज पैरेलल टू होल. सी दिस ए एफ इज पैरेलल टू ई सी, तो एफ पी पैरेलल टू सी क्यू हो गया. तो व्हाट इज पी? पी मिड पॉइंट है तो ऑल थ्री लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड. समझ में आ गया. अब लिखना क्या है सिर्फ उस पर ध्यान दो. Come on. We have
AB parallel to CD, therefore CF is parallel to AE and CF equal to AE from 1. Therefore AECF क्या बन चुका है? Parallelogram theorem 8.8. Done. AECF जो है वो parallelogram बन चुका है and उसकी वजह से क्या importantly prove हुआ वो लिखना जरूरी है. Therefore AF is parallel to CE. Point number 3. Is that okay? ये जो ब्लू वाली लाइंस मार्क्ड है वो लाइंस पैरेलल हो गई, वो लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बिना आपका थ्योरम आगे आई मीन सेटिस्फाई नहीं होगा वहां पे पूरा. सो दिस इज इंपॉर्टेंट इन ट्राइंगल एपीबी. अब ये नीचे वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल एपीबी, इन ट्राइंगल एपीबी ई इज मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड EQ is parallel to AP. This will be written from point number 3. Therefore, Q kya ho jayega wahan pe? Q is the midpoint of PB. Theorem 8.10. And all because of this, PQ is equal to QB is equal to half P B. Point number 4. ये ध्यान रखना है हमें. ये हमने नीचे वाले ट्राइंगल का प्रूफ कर दिया. अब ऊपर वाला ट्राइंगल कौन सा है? डी क्यू सी. इन ट्राइंगल डी क्यू सी एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड FP is parallel to CQ and FP is parallel to CQ. इसका मतलब ये जो पॉइंट P है is the midpoint of, what is P midpoint of? DQ. उसकी वजह से क्या हो गया? DP is equal to PQ is equal to half DQ. Point number 6. This is point number 5. थ्योरम 8.10. ठीक है, अब देखो पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू डी पी. ठीक है, फ्रॉम पॉइंट 4 एंड 6, फ्रॉम 4th एंड 6th डी पी इज इक्वल टू पी बी. व्हाट इज इट? PQ is equal to QB. Therefore, AE and CF trisect. AC and EF है ना? Yeah. AC and EF trisect. आया समझ? Go through.